प्रभु जब घोड़ा लौटा बेकले आओ तेरे जोरा और तेरे तो बिना करे की लाल बढ़ाई देगी। अरे जैसे पकल्ला को गंती थी तो लेते जोरा लौटा तू आओ तो का जरूरत थी कि तो अभी जाके मेहताई पूछिए और जाके नाना पूछिए कि तू कुंते पहना है का है तेरे भाई मेहताई की को पे आंसर लगाओ तो अब जी घोड़ा तो लड़के मिले हो हम तो खूब बता रहे हैं। हेलो हेलो तब तक वो बब्र बहन नाम का बालक बराबर पहुंच गया था। जब सामने आया है तब गाया है लड़के जैसे आवे और तैसे नगर लौट जा बेटा भी बालक हुए तुम्हें इतनी सामर्थ ना कि तू मेरे सामना कर सके। तब बालक ने दांती पीस के कहा अर्जुन बाप और बेटा को रिश्ता तो तुमने मई खत्म कर दो जो नेक देर पहले तय जो ना आओ में नेक देर पहले तुम्हारे पास आया था लला तो ना मालूम मोती कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं मैंने 18 दिन में महाभारत के युद्ध को जीत लिया है। बेटा जब कांडे में धनुष हाथ में उठा लेते तो देवता सामना ना कर सके सोतू मोती लड़ बेकले आव। तब भगवान कन्हैया की ओर निहारते हुए बालक बप्परवान ने कहा होठों पे हंसी आ गई थी क्या अर्जुन की जब बात सुनी अर्जुन की जब बात सुनी और वो हंसी कुमार को आई है बादिन की का भूल गए कामो कुमाल मुनाई है कुंती के राजकुमार हिजलाते को चतन रथ पे हिजलाते को चतन धर के अरे सोई बाबा डाले मारे तो जा बात की आ रही है जो आदमी बार बार हाथ में धनुष लेके और छाती ठोकर हुआ मणिपुर धानी की सीमा पे आ गए कि मेरे देव तू सामना ना कर तक मेरे अच्छे अच्छे राजा नान न भा जाता है। ए अर्जुन को ज्यादा गुस्सा आ गया सिरो मो देखे कसी मो अर्जुन जा बात पे आ रही है कि जी बात मैंने कानन पे सुनी है कि तुम पे अर्जुन कि जब गंगा पुत्र भीष्म को दस दिन है लड़त लड़त जो 10,000 छत्री रोजाना मारते थे और तूने जाके जो पूछी कन्हैया के कह दे अब का करू जैसो है तैसो बोलो तब बैठी गई है द्वारे पे ओ मैया तब बैठी गई है द्वारे पे बेटा ये
नाम पुनर्दत्त था और पुनर्दत्त बेटा मेरा एक बारा था। और एक बार परवी परी समुद्र पे, तो मेरा बेटा समुद्र पे परवी नहाने के लिए गया था और जब बाद रहते आज तक न लौट गया, जिना मालूम पड़ी मर गो जिंदा है को कोई उठाए ले गो। इतने बोला सुने ही मोहना दे और सोई कर पकारी लायो है मेहतारी। बैठे तो सही कोई सुनील ऐसा जहां बैठे तैयार ना है तो तुम ही बैठ जाओ। भैया पकड़ लाला तो हाथ मैया कही के सवा को हाथ ओ हाथ फेरी भगवान कन्हैया ने मैया को हाथ पकड़ा और तब मैया ने भगवान कन्हैया को पेट से लगा लिया और रोती हुई मैया बोली है अच्छा। और ये हमारे भोले की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। गोविंद भगवान की कृपा बनी रहे, इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहें। और इधर बार ही बार भगवान कन्हैया ने पूछी मैया तेरा बेटा कितो बड़ा हो, जब स्नान करने के लिए गया था तो तेरा पुत्र कितना बड़ा था। तब मैया ने बताई है कि मेरा पुत्र 14 वर्ष का था और 14 वर्ष का पुत्र मेरा नहाने के लिए गया था, आज तक लौट के नहीं आया। अन्य बच्चा सब लौट के आएगा लेकिन मेरा बेटा लौट के नहीं आया। तो मैया रो बती रोवे मत, आज तक तैने हमें जी बात बताई ना, आज हम घर को जा रहे हैं तब तैने जी बात खोली है, तो अब हम घर तब ही आएंगे कि तेरा बेटा अगर धरती पे जिंदा है या मरा है तेरे सामने ला करके देंगे। बेटा ऐसा तो कबू ना हो, अगर मरेगा हो तो कहां दिलाब हो, मरे हुए को जिंदा करने वाला संसार में कौन है। तो भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा मैया ऐसी कोई बात ना है, तू कह रही है भाई सब काम है जाएंगे लेकिन हमें जा बात को पतो तो लगा ले कि तेरा बेटा गौ कौन। तो भगवान कन्हैया और बलराम भैया ने दोनों ने अपने कंधा से झोली उतार के मैया के पाने में दी और कहा मैया आज हम तुझसे वचन दे करके जा रहे हैं कि अगर जिस आश्रम पर इस मठी पर लौट करके आएंगे तो आएंगे तभी तब तेरा बेटा संग लेकर के आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक परमात्मा के नाम का कीर्तन ताली बजाते हुए महाभारत की तो मने ही देखे इधर।